अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताए गए हैं, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि तीन लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। वो सब अपने अपनी राय दे रहे हैं। किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये सब सबसे कीमती तो क्योंकि ये बहुतों के पास होगी, यहां भी कईयों के पास होगी, है कि नहीं? किस किस के पास है बताओ, हाथ उठाओ। सोने की वस्तु किस किस के पास है, हाथ उठाओ। इतना डर के हाथ उठा रहे, मैंने ये थोड़ी पूछा कितना है कि नहीं है, हाँ भले ही इतना सा हो, है ना? मतलब कईयों के पास है, अधिकतरों के पास है, किसी के पास इतना होगा, किसी के पास इतना, किसी के पास इतना, लेकिन है सबके पास। तो ऋषिगण कहे जो सबके पास हो सबसे कीमती कैसे, कीमती तो ऐसा हो जो किसी किसी के पास मिले, मिले ही ना जल्दी से किसी के पास। तो सबने कहा फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है। ऋषिगणों ने कहा अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम कौन सा, हमारा आपका नहीं, आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम। अब वो प्रेम आप निस्वार्थ किसी से भी हो सबसे ऊपर है, पर निस्वार्थ होना चाहिए। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जिस प्रेम में स्वार्थ आ जाता है फिर वो प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम नहीं निकल जाए। करने वाले तो भगवान से भी स्वार्थ का प्रेम करते हैं, जब तक काम होता है तब तक भगवान भगवान भगवान, काम नहीं तो कौन कौन भगवान। सच्ची बात है, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक काम हो रहा है अच्छी बात है, जहां हमारा काम होना बंद हुआ हम भगवान बदल ले। हम ऐसे हो गए कि भाई कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं और माथा टेकते हैं, यहां तो काम नहीं हो रहा। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम भगवान की भक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, मेरा काम होना चाहिए। मैंने कईयों को देखा जो उनके हिसाब से चीजें नहीं होती ना, जिसके लिए उन्होंने बहुत पूजा की होगी, बहुत पाठ किया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। भगवान होते तो ऐसा होता, भगवान है ही नहीं, तुम्हारा काम नहीं किया तो भगवान है ही नहीं। और कितनी बार तो वो काम आपके लिए नहीं होना ही आपके जीवन की सबसे अच्छी बात थी, ये आपको उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन ये क्या दर्शाता है कि हमको भगवान से प्रेम नहीं है। होता तो हम उन पर भरोसा रखते कि वो जो कर रहा है सोच समझ कर कर रहा है, वो मुझसे प्रेम करता है। हमको बस इस बात से प्रेम है कि भगवान हमारे काम करता है। तो ऋषिगणों ने कहा अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। सबने कहा वो कहां मिलेगा, कहीं तो होना चाहिए जिससे प्रेरणा ले सके। अब फिर से सब अपनी अपनी राय देने लगे, तो कुछ ने कहा कि होना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगा। बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास समय ही कहाँ है, नहीं है। अब हाँ नारद जी भी बैठे थे, नारद जी किसके भक्त हैं, जोर से कहिए, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। उन्होंने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना क्यों नहीं। बोले अगर वहां भी उतना होता तो भगवान समय न समय देखकर भक्तों के पीछे थोड़ी जाते। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा तो भगवान पैदल दौड़े थे, लक्ष्मी जी पीछे से रोक रही है, रुक जाइए रुक जाइए, वो चले गए।
प्रेम होता तो रुकते, लक्ष्मी जी की बात वो चले गए। तो बोले फिर आप बताइए किसके पास है सबसे ज्यादा प्रेम। तब ऋषि गणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास।